अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो अभी ज़रा 2 मिनट रुको, सब आ जाए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, कल मैं तुम लोगों को यहाँ तक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तक करवा दिया था। ठीक है, अब आज जो है इसके बाद का कुछ काम है बच्चों, वो हम करेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी। तो कल हम लोगों ने बेटे डिटेल में हमने बात की थी कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस तरीके से निकाला जाएगा और किस तरीके से इस पर बात जो है की जाएगी। ठीक है, ये वाला काम मैं कल करा चुका हूँ। आज जो है हम इसके बाद इंशाल्लाह नया काम शुरू करेंगे। अच्छा जी, बस आज ही चैप्टर जो है वाइंड अप होने वाला है, बस मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, रिवाइंड अप हो जाएगा। कल हो सकता है कल मैं शायद जो है क्लास लूँ दोनों, या शायद ना ले सकूँ, लेकिन कल आप उसका जो है रिकॉर्डेड आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा ग्रुप पे, तो उसका मसला आपको नहीं आएगा इंशाल्लाह। हो सकता है कल वाली क्लास में शायद फिजिक्स लूँ कंप्यूटर ना लूँ, या हो सकता है दोनों ही ना लूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड में तुम लोगों को जो है दे दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैसेज आ गया तो उसका मतलब क्लास होगी। ठीक है, तो मुझसे ही डायरेक्टली कांटेक्ट कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, कोचिंग वोचिंग वालों को तंग नहीं कीजिएगा बिला वजह। ठीक है बच्चों, आज कंप्यूटर, आज नहीं कल की बात कर रहा हूँ बेटा, आज तो होगी ना, एज इट इज होगी। अच्छा जी, कल हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कि भाई जब भी हम एरिया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो असल में वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, ऐसी बात हुई थी ना। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं बेटा, आपका पैरेललोग्राम इस तरह का होगा, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो अब ये जो शेप है और ये जो शेप है, किसकी शेप से? ये ट्राइंगल की शेप से ना बच्चों मेरे। हाँ भाई, ये ट्राइंगल है ना। तो पता ही चलता है कि अगर हमसे एक बार तो आप पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो ये हमारे कोर्स में, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ भी नहीं है, आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है एज इट इज और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और डिवाइड बाय 2 कर दो, बस खत्म कहानी। ठीक होंगे सारी बात है? तो बस इसी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये एज इट इज यहाँ पे चलता है। अगर ये आ जाए तो बस इसके बाद एक स्टेप ये इंक्लूड कर देना, तुम्हारी डेरिवेशन पूरी हो जाएगी, बाकी इसमें एज इट इज कोई मसले वाली बात नहीं है बच्चों मेरे। ठीक है, अच्छा जी, आज का जो काम है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है भाई, सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, बस हम क्लास वाइंड अप करेंगे। और वो काम क्या है कि आज आपको न्यूमेरिकल कराना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अच्छा जी, आपको मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी न्यूमेरिकल साथ ही उसमें करवा दूंगा। फिर एक चीज है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना बताया था तुम लोगों को कि किसी भी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। आज हमें निकालना होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। जब बेटा ये वर्ड आ जाए ना परपेंडिकुलर टू प्लेन, समझ जाना क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर हमने आपसे सीखा था कि भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उनका जो आंसर होता था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता था, और उसका यूनिट वेक्टर भी सरफेस से परपेंडिकुलर हुआ करता था, याद है? तो असल में अगर तुमसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन पूछे, इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले उन दो वेक्टर्स का ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उनको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, जो कि असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कहला सकता है, और फिर आपको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आई सारी बात है? तो काम वही है भाई, काम एक ही है, बार बार नया नया काम नहीं कराता मैं, मुझे आदत ही नहीं है, जो एक बार कॉन्सेप्ट बना दो बस वही चलते रहते हैं। लेकिन अब इसको आगे पीछे करके यूज करना पड़ेगा तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैं एक सवाल लिखूंगा, उस एक सवाल में तीनों चीजें कराऊंगा, फिर एक तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, चैप्टर निपट जाएगा, कहानी खत्म। सवाल क्या है बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कॉमा
एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। व्हेन ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस 2k एंड बी इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2k प्लस 2k। ठीक हो गया, दो वेक्टर्स है भाई, अब इनको सॉल्व करना है। तीन चीजें निकालनी है, वैसे पेपर में तो इतनी सब नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनवाने के लिए तीनों साथ साथ पूछे था, ये काम ही खत्म हो जाना है यार, बार बार मसला ही ना हो। अब देखो कैसे सॉल्व कराता हूँ। अच्छा भाई, दो वेक्टर्स गिवन है, पहले ए गिवन है फिर दूसरा बी गिवन है। पहला वेक्टर है बच्चों 2i प्लस जे प्लस 2k और जो दूसरा वेक्टर है वो है 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक हो गया, अब आपसे तीन चीजें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले चीज ये पूछी है। फिर आपसे पूछा है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल और फिर तीसरे में आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यूनिट वेक्टर तो म्यू ही होता है ना यार, वही रीजन। अच्छा अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, ट्राइंगल निकालना हो या यूनिट वेक्टर निकालना हो, बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब बच्चों फटी क्या, फटी क्या है भाई, फटी क्या है बेटे, कि यहाँ पर आज आपके पास जब आप एरिया ऑफ एरिया निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें याद दिलाऊं, डॉट प्रोडक्ट पैरेलल मल्टीप्लीकेशन हुआ करती थी, ऐसा था ना। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर मल्टीप्लीकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लीकेशन है। तो बच्चों परपेंडिकुलर मल्टीप्लीकेशन में आपने कल ही पिछले हफ्ते देखा था कि यहां पर सिमिलर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं है, लेकिन अपोजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर है। डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में सिमिलर को मल्टीप्लाई करने पे था, अपोजिट को मल्टीप्लाई करने पे नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको हर किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आसानी नहीं है कि आई को आई से करा के जान छूट गई, नहीं, यहाँ पे आई को आई से कराने पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन आई को जे से कराने पे आएगा, आई को के से कराने पे आएगा। इसी तरीके से जे को जे से कराने पे कुछ नहीं आएगा, जे को आई से कराने पे आएगा और के से कराने पे आएगा। इसी तरीके से के को भी आई से कराना पड़ेगा, जे से कराना पड़ेगा, के को के से कराने पे कुछ नहीं होगा। तो पता ही चला कि यहाँ पर आपको हर नंबर से 6 मजीद नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा, दिमाग में बैठ रही है सारी बातें। तो बेटा तभी इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग एक मैथ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हर किसी ने पढ़ा है मैट्रिक में, इसको कहते थे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में याद है जब आप इनवर्स निकाला करते थे तो वो 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया करते थे, फर्स्ट क्रॉस माइनस सेकेंड क्रॉस, ये वही चीज है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसमें असल में इसको यूज करते हैं। इसमें रॉज होती हैं, एक पहली रॉ होती है, एक दूसरी रॉ होती है, एक तीसरी रॉ होती है। पहली रॉ के अंदर फिक्स है आई जे के आएगा, दूसरी रॉ के अंदर ए की वैल्यूज आएंगी। पहले आएगा ए एक्स, फिर आएगा ए वाई, फिर आएगा ए जेड, फिर आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। इंजीनियरिंग वाले ही हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे, और कुछ मेडिकल वाले बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो उनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता। अगर इंजीनियरिंग वालों को आता है फर्स्ट क्रॉस से करना तो वो कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, आंसर से मिला जाएगा। मेडिकल वाले बेचारों को वो मुश्किल मेथड सिखाने से बेहतर है उनको एक आसान सा काम सिखा दिया जाए। इंजीनियरिंग वाले अगर ये कर भी लें तो गलती नहीं है, सिमिलर सेम चीज। चलिए भाई, आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकलेगा ना उसका। तो बेटा ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने डिटरमिनेंट बनाया, जरा सब रुक के देख लो, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा। पहली रॉ में ए की वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यूज ये है, क्या लिखी हुई है, 2 1 2। फिर बी की वैल्यूज आएंगी, बी की वैल्यूज क्या है, 3 माइनस 2 2। ठीक हो गया भाई, क्लियर बात है, इसे सॉकर्स मेथड कहते हैं, सही है, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब आप लिख दें, अब आपको पता है भी अगर आपका आने वाला आंसर एक वेक्टर है तो उसके अंदर एक आई होगा, एक जे होगा और एक के होगा, ठीक है ना। तो तीन ब्रैकेट बना दो, तीन ब्रैकेट बना दो और तीनों ब्रैकेट के बीच में एक माइनस लगा दो। तीन ब्रैकेट बना दी और तीनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगा दिया बच्चों मेरे, माइनस लगा दिया। ठीक हो गई बात, सही है। अब जरा टिपिकल काम है, जरा सुनिएगा, पहली रॉ को लिखें, पहली रॉ को लिखें,
पहली रॉ क्या है जी? 212, थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा, एक बार लिख ली, दोबारा से लिखें, 212, ठीक है। उसके नीचे दूसरी रॉ को लिखें, दूसरी रॉ क्या है मेरे बच्चे? 3 - 2, 2, दोबारा से लिखें, 3 - 2, 2, ठीक हो गया, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब देखें, सबसे पहले पहले कॉलम को हटा दें और लास्ट कॉलम को हटा दें, दोबारा देखें, पहली रॉ लिखी, रिपीट किया, उसके नीचे दूसरी रॉ लिखी, रिपीट किया, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को निगलेक्ट कर दिया ताकि पूरा डिटरमिनेंट बन गया, 2 by 2 का डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको कैसे चलाना है आओ जरा देखते हैं। चलो भैया देखो, बड़ा आसान सा काम है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, पहला डायगोनल 1, 2 जा 2, अब दूसरा डायगोनल -2, 2 जा -4, -4, ठीक है भाई, हो गया। चलो 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, खत्म कहानी, सिंपल मसला हो रही है भाई। चलो भाई 2 into -2 क्या बना? -4, 3, 1 जा 3, खत्म कहानी, मल्टीप्लीकेशन कहाँ उस चक्कर में बढ़ रहे हो, पहली रॉ से एक्सपेंड करो, पहले उससे एक्सपेंड करो, फटाफट काम खत्म। पहले डेमिनेंट बनाया, 3 ब्रैकेट बना दिया आई जे के बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है, हो गया, अभी क्लियर है। उसके बाद पहली रॉ लिखी, रिपीट किया, दूसरी रॉ लिखी, रिपीट किया, फर्स्ट और लास्ट कॉलम को निगलेक्ट किया, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस आई आ गया, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस जे आ गया, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस के आ गया, खत्म कहानी। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको जरा, तो अब देखेंगे ए क्रॉस बी, चलो बेटे ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2 + 4 प्लस जे, ये 6 और ये माइनस का 4 क्या बन जाएगा प्लस का 2, ये माइनस का 4 माइनस का 3 क्या बन गया माइनस का 7। चलो भाई ये बन गया 6, 4 + 2, 6i प्लस 2j माइनस, हाँ भाई माइनस 7 का के, ये आएगा बच्चों आपका a क्रॉस b। हाँ भाई पहले तो मुझे बताओ यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, इसके बाद का काम तो आसान हो जाएगा, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आ गया सॉकर्स मेथड के थ्रू, ये डिटरमिनेंट मेथड नहीं कराया मैंने, सॉकर्स मेथड कराया, बड़ा आसान है ये, मैथ्स में भी कर सकते हैं मैथ्स वाले चाहें तो। हाँ भाई समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों? ओ बच्चों क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा आज? सब रिप्लाई कर दो ताकि सुकून हो जाए मुझे, फिर मैं आखिर में और काम कराता हूँ, डिटेल में लेके जाते हैं, कोई नहीं कराता पूछना, सब वही लग कराते हैं मुश्किल वाला काम, पहली रॉ से एक्सपेंड करो, देखा कितनी सिंपल जुगाड़ होता है, ये एप्टीट्यूड में सिखाते हैं बच्चों को। सर सौकत मैं तो वापस बताएं प्लीज, दोबारा बताया नहीं, यार देखो कुछ भी नहीं है, उजैफा 3 ब्रैकेट बना दिए आई जे के प्लस के साथ, हर ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा दिया, अब ये पहली रॉ को लिखा फिर रिपीट किया दोबारा से, उसके नीचे इस दूसरी रॉ को लिखा फिर रिपीट किया, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को हटा दिया। अब देखो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो जो आंसर है, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, ये आई पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, ठीक हो गया, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ लिख दो, माइनस 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 बीच का फॉर्मूले का सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सर ये फेयर में करना है जो आपने जुगाड़ बताया, बेटा ये जुगाड़ नहीं है मेथड ही है बच्चों, भाई ये फेयर ही है, सब कुछ फेयर है भाई, ये पहले ये लिखेंगे फिर इसको फेयर में करेंगे फिर इसको फेयर करेंगे, सही है, आई बात समझ में? इसको जुगाड़ में सही कहता हूँ, जो दुनिया को ना समझ में आया उसको जुगाड़ कहते हैं ना भाई, ये हमारी बुक में किया हुआ है, पता नहीं चलता, पढ़ते ही नहीं है ना हम लोग बुक, एक बार बताएं क्या बताऊं, स्टेप कौन से आएंगे पहले, जिस तरह से मैंने किया वैसे ही आएंगे, पहले आई जे के आएगा उसके बाद सॉल्व होगा फिर आएगा, वरना तुम लोग ये कर सकते हो कि पहले इसको बना लो और इसको जो है आखिर में ले जाओ, फिर उसके बाद ही सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट और फर्स्ट वाले को निगलेक्ट क्यों किया बेटा? डिटर्मिनेंट बनाने के लिए निगलेक्ट किया। चलो भाई हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, अब जरा 2 मिनट की बात है, फटाफट सुन ले यार, काम खत्म करना है। चलो भाई ये एरिया का वेक्टर आया, ये एरिया नहीं आया, एरिया का वेक्टर आया, अब तुम लोगों से कह रहे हैं भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकालो, तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और आई और जे और के मौजूद है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तरीका याद है, जुमला क्या बोलता हूँ मैं, सारे नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करें और फिर क्या ले लें, रूट ले लें, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, अभी तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या बनेगा, आओ चेक करता हूँ मैं भी,
हाँ भाई, बन जाएगा 36 4। अरे भाई 36 प्लस 4 प्लस 40, ठीक हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ बोलते बोले, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स चल रही है, अटेंडेंस भेजूंगा मैं आपको। हाँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ठीक है। हाँ भाई क्या आ रहा है? 9.4 आ रहा है भाई, बच्ची बता रही मुझे सर, 9.4 आंसर आ रहा है। मैं सॉल्व ही करा था, कॉल आ गई थी, तो आंसर आ रहा है 9.4। बच्चों ये बन गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बन गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो इसका यूनिट हमेशा होगा यूनिट का स्क्वायर। देखो नॉर्मली जो एरिया होता है ना वो मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ गिवन नहीं है, तो हमने यूनिट स्क्वायर ले दिया। ठीक है भाई, चलो कॉपी करो शाफा जल्दी। हेलो सलाम, आप कहने कहने भेजें 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 भेजें, आ गया आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो भाई कॉपी करो जल्दी से, शाबाश। अब देखो भाई ये आपके पास जो है क्या हो गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया, सही है ना? इसमें कोई मसला तो नहीं है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन चुका है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अब मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ भी नहीं है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ है। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 9.4 डिवाइड बाय 2 कर दो खत्म। तो चल मुझे बताओ कितना आएगा, 45.2 आएगा, ऐसे कुछ आएगा मेरे पास। तो बताएगा मुझे 9.4 को डिवाइड बाय 2 करके। हाँ भाई 4.7, 4.7 यूनिट अभी वही रहेगा यूनिट्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया मेरे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया। अब बची एक चीज, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि म्यू निकालना है, ठीक हो गया। तो असल में अगर तुम लोगों को याद हो तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने ये सिखाया था ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इनटू म्यू। अब देखो मैं तुम लोगों को रट्टा नहीं लगवाया, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि असल में मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसको डिवाइड ने फेंको, ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का वेक्टर डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सर ये कोई नया फॉर्मूला है? ये नया फॉर्मूला नहीं है, आप लोगों का वही फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का जो मैंने शुरू में करवाया था। बस ए की जगह पे ये ए क्रॉस बी आ गया और ये ए की जगह पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा जी अब एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ए क्रॉस बी की जगह आपने क्या लिख दिया? ये वाला वेक्टर लिख दिया। कौन सा वेक्टर है भैया? 6i+2j-7k, ठीक है। और ये जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे? जल्दी से बताओ, ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम? ट्राइंगल या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम लिखेंगे। गुड, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 9.4। बस खत्म कहानी, बस और कुछ नहीं करना, खत्म। बस ये जो भी आपको मिल चुका है इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ, सॉरी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है बच्चों। ये देखो मैंने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल करा दिया, जिसमें आपसे तीनों चीजें साथ में पूछी जाएंगी, एक एक पूछी जाएगी, लेकिन मैंने आपको एक ही सवाल में तीनों करवा दिए, ठीक है भाई। जल्दी से कॉपी करें और बस यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया वाइंड अप। अब हमें कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का है, आपको आपसे करवा लेता हूँ अभी हाथ के हाथ, और बस काम पूरा हो जाएगा। हाँ भी कोई परेशानी है किसी को तो मुझसे पूछ सकता है, वो कॉपी करो चलो।
बच्चों लिख लिया, चलें जी एक सवाल और करते हैं, समझ में आ गया ना ये? अच्छा एक छोटा सा प्रूफ है, मैं तुम लोगों को करवा देता हूँ कि तुम लोग जब पास पेपर देखोगे तो ये प्रूफ उसमें मिल जाएगा, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो कराया ही नहीं। वो प्रूफ क्या है, एक बार तो आया था पेपर में, प्रूफ दैट ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ये प्रूफ पढ़ना है, ये प्रूफ है, सही है, ये प्रूफ है। तो किस तरीके से करेंगे, बड़ा आसान है। आपने उठा ली ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग, चार नंबर का सवाल है, टेकिंग एलएचएस। अच्छा जी अब क्या लिखा हुआ है, एलएचएस ए डॉट बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी नहीं लिखा हुआ, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है का होल स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला सब जानते हैं बच्चे आप लोग, क्या होता था, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा भाई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा, बाकी सब कुछ क्या बचा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, अब अगर आप इन दोनों में से देखें तो कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच क्या गया, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जरा याद करो मैट्रिक की मैथ्स, ये पूरी चीज, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती थी और उसको वन कहा करते थे, आई बात समझ में, टू साइन थीटा, और तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन, जो कि बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, खत्म कहानी। चलो भाई चैप्टर वाइंड अप, ठीक हो गया, कोई परेशानी आता कॉपी कर लो जल्दी से, एक सवाल मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो तुम लोग अभी सॉल्व करोगे और फिर मुझे बताओगे, बाकी आप लोगों का असाइनमेंट आ चुके हैं अक्सर लोगों के, कुछ लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह की थी तो उसकी वजह से वो अभी क्लास में मौजूद है, बाकी तकरीबन लड़कियों के लड़कों के असाइनमेंट आ चुके हैं। सुभान तुमने कल क्लास नहीं दी, असाइनमेंट तुम्हें मिल गया होगा, वो करके तुम जमा करोगे मुझे। हाँ मुस्तफा तुम्हारा आ गया था बेटे, सुभान ग्रुप में असाइनमेंट आया हुआ, सॉल्व करके करा देना बेटा, अब्दुल्ला से पूछ लेना तुम, ठीक है, कल तक। जी सर कर दूंगा, मेरे सब ओके बेटे। चलो भाई एक सवाल दे रहा हूँ तुम लोगों को, सब कुछ निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ए की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 2k, बी की वैल्यू है 3i माइनस जे प्लस के। ठीक हो गया, अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, तुम काम करो भाई, कुछ नहीं आ रहा, मेरे पास भी आई है। ठीक हो गया जी, चलें शाबाश सॉल्व करें इसको, ये पूरा क्वेश्चन लें फटाफट सॉल्व करें, चलें शुरू हो जाएं, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको।
नहीं बेटे सॉल्व करना है आपको। ठीक है माँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बेटा, वो लाया हुआ परपेंडिकुलर का सिंबल ही वाला। हाँ भाई ये हो जाएगा फिर तुम लोगों से, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। अभी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, कल से इंशाल्लाह हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि होगा चैप्टर नंबर 4। अच्छा भाई अब बस मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्वर ही बता रहा हूँ तुम लोगों को, बाकी काम तो तुम लोग मेरे ख्याल से कर ही लोगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लास को हम जो है रोक लेंगे, फिर मैथ कंप्यूटर साइंस की क्लास जो है 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी अपने टाइम पे। अच्छा भाई मैं तुम लोगों को डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि इसका, ताकि जो लोग लेट आए थे उनको भी डिटर्मिनेंट निकालना आ जाए सॉकर्स मेथड के थ्रू। आई जे के लिखना है सबने, पहली रॉ में ए की वैल्यूज आएंगी जो क्या है 3 2 2, फिर दूसरी रॉ में बी की वैल्यूज आएंगी जो क्या होंगी 3 -1 1। ठीक हो गया। अच्छा भाई अब उसके बाद क्या करना है आपको, 3 ब्रैकेट्स बनाने थे, एक बनेगा आई का प्लस दूसरा बनेगा जे का प्लस तीसरा बनेगा बच्चों किसका के का, और हर किसी के बीच में क्या आएगा बच्चे मेरे माइनस आएगा। ठीक हो गया। अब रॉस को लिखना है भाई, रॉस लिखनी है, सबसे पहले पहली रॉ लिखोगे, पहली रॉ क्या है 3 2 2, रिपीट करेंगे 3 2 2, उसके नीचे लिखेंगे दूसरी रॉ, दूसरी रॉ क्या है 3 -1 1, रिपीट करेंगे 3 -1 1। ठीक हो गया। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, अब देखें क्या करना है, 2 1 2 -1 2 -2, ठीक है, 2 3 6 1 3 3, 3 -1 -3, 3 2 6, हो गई भी कहानी खत्म। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 2 + 2 4 हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 6 में से 3 का क्या बचे 3, तो जे के बराबर में आ जाएगा 3, माइनस का 3 माइनस का 6 क्या बन जाएगा, एक सेकंड देना, हाँ बच्चों क्या बन जाएगा, ये जे के साथ आ जाएगा, चलो अभी काउंट डाउन आ गया, जे के साथ आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है भाई, तो अब अगर आप एक रॉस भी निकालेंगे का, तो एक क्रॉस भी आके बाद -9 -9 के -9 के खत्म। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है, ट्रायंगल निकालेंगे इसको आधा करोगे, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया जी, चलिए बस कॉपी कर लें काम खत्म। थैंक यू बेटे। हाँ भाई अब जिसने कॉपी कर लिया वो जा सकता है, भाई कंप्यूटर वाले भी अपने टाइम पे ज्वाइन कर लेना, आज तुम लोगों को 0 ऑर्डर वाले बस आखिरी बार करा के खत्म करूंगा। सर सेंड कर दीजिएगा प्लीज यार, ये लो तुम्हारे, तुम लोगों के सामने सेंड कर देता हूँ, वरना मैं ना फिर भूल जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।